तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया कि गुड लक का एक नया अपडेट आया, उसके नए जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसमें भी नया नया अपडेट आता है और नए फीचर एड ऑन किए जाते हैं। आज मैं आपको उसी के एक मॉड्यूल के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है वन हैंड ऑपरेशन, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए फीचर वहां पर एड ऑन किए गए। क्या नए फीचर एड ऑन किए गए, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो और मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ नए अपडेट्स के बारे में वन हैंड ऑपरेशन के। तो उसके लिए जाना चले आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको चले जाना है अपडेट्स वाले सेक्शन में और वहाँ देखेंगे आपको वन हैंड ऑपरेशन प्लस का एक नया अपडेट दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप अपने गुड लक वाली ऐप में भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया। 23 अक्टूबर 2023 को रोल आउट किया है, मतलब आज ही के दिन इस अपडेट को रोल आउट किया गया है। इसका साइज है 7.55 MB का और इसका वर्जन नंबर है 6.6.1900। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नया चेंजेस किया गया। यहां पर आप देखेंगे यहां पर ये चीजें नया एड ऑन किया गया है। ऐड रिसेंट पेज ऑन क्यूक लॉन्चर, रिसेंट एप्स वाला जो पेज है ना क्यूक लॉन्चर के अंदर ऐड कर दिया गया है। सपोर्ट स्प्लिट और पॉपअप व्यू ऑन क्यूक लॉन्चर, क्यूक लॉन्चर के अंदर आपको सपोर्ट मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का और पॉपअप व्यू का। और रिमूव हैंडल, हाइड हैंडल फीचर रिमूव कर दिया गया और बक्सेस फिक्स किए गए हैं। तो कर लेते हैं इसको अपडेट और अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं क्या क्या नया एड ऑन किया गया है। इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से, अगर आपने क्यूक पैनल को इनेबल कर रखा है या क्यूक लॉन्चर को इनेबल कर रखा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके क्यूक लॉन्चर को ओपन कर लीजिए। क्यूक लॉन्चर को ओपन करने के बाद यहाँ सेटिंग्स पर चले जाना है और यहाँ पर ऐड पर चले जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड पर जाएंगे, क्यूक लॉन्चर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है। यहाँ जाने के बाद फंक्शंस में चले जाना और यहाँ पर आपको रिसेंट की मिल जाएगी, आपको ऐड कर लेना है। अब इसको ऐड करने के बाद अब जब भी आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आप रिसेंट की का ऑप्शन यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो ये फीचर यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया ताकि आप क्यूक लॉन्चर के थ्रू भी रिसेंट एप्स का यूज कर सकें। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो आपने यहाँ पर कोई चीज ओपन कर रखी है, मान लो मैंने यहाँ पर ये प्ले स्टोर ओपन कर रखा है और मैंने इसको कर लिया स्प्लिट स्क्रीन व्यू या पॉपअप व्यू में, मैंने इसको ओपन कर लिया, तो ये यहाँ पर ओपन हो गया है। ओपन करने के बाद अगर आप इसमें क्यूक लॉन्चर यूज करते हैं तो अब क्यूक लॉन्चर चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यूक लॉन्चर यहाँ पर अच्छे से वर्क करेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दे दी गई ताकि आप क्यूक लॉन्चर को अच्छे से सपोर्ट दे सकें। उसके बाद तीसरी चीज दी गई है कि वहाँ पर हाइड हैंडल सपोर्ट हटा दिया गया। अगर मैं आपको लेके जाऊँ यहाँ पर वन हैंड प्लस में, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ वन हैंड प्लस में। अगर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हाइड हैंडल हटा दिया गया है, बट हाइड हैंडल अभी नहीं हटा, वो वन यू 6.0 के अंदर हट जाएगा। फिलहाल इसमें दो ही नए फीचर एड ऑन किए गए, पॉपअप व्यू पे सपोर्ट कर दिया गया क्यूक लॉन्चर का, और क्यूक लॉन्चर के अंदर आपको रिसेंट की का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। तो यही नया अपडेट था वन हैंड ऑपरेशन की तरफ से जो कि गुड लक की ऐप है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछ चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।